Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Recipes by Bangash. आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिरयानी की रेसिपी. ये हम होममेड मसाले से बनाएंगे. तो आप एंड तक देखें जो जो टिप्स हैं और जितने भी इसमें मसाले हम डालेंगे ताकि कोई मिस ना हो जाए. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ. हमने लिया है एक पैन, इसमें हम ऐड कर देंगे दालचीनी 2 अदद, दालचीनी के स्टिक्स 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, लौंग 6 से 7 अदद और जावित्री 2 से 3 अदद. इसे हम लो मीडियम हीट पे भून लेंगे. दस से पाँच सेकेंड तक इसे भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चे और धनिया और ज़ीरा. अगर आपके पास लाल मिर्चे अवेलेबल हैं तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं है अवेलेबल तो आप सालन पकाते वक्त, जो हम बिरयानी के लिए मसाला बनाएंगे वो पकाते वक्त आप लाल मिर्चे यानी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. तो मैंने ये सब ऐड कर दिया है. इसे हम भून लेंगे तकरीबन 10 सेकंड के लिए और उसके बाद फिर हम इसे ब्लेंड कर देंगे जूसर ब्लेंडर में. इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे. अब हमने ली है दूसरी कढ़ाई, उसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 कप ऑयल. प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 medium size. और इसे हम लो मीडियम हीट पे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर देंगे. ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसमें चिकन भी फ्राई करेंगे तो चिकन के साथ ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा. तो ये जब अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 kg चिकन. तो इसमें हमने 1 kg चिकन ऐड कर देना है. हमने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं. चिकन ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे ताकि इस पर गोल्डन स्पॉट्स आ जाए इस तरह से. अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस. तो सबसे पहले हमने जो मसाला लिया खुद बनाया था बिरयानी के लिए वो हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून. और इलायची डाल देंगे हम 3 से 4 अदद. हरी इलायची, तेज पत्ता हमने लिए हैं 2 बड़े साइज के और 2 से 3 अदद हमने बड़ी इलायची ली है. लौंग हमने 3 से 4 अदद लिए हैं. काली मिर्ची मैंने अभी इसमें 3 से 4 ली हैं लेकिन आप इसमें
वन टीस्पून डाली क्योंकि मैंने बाद में फिर ऐड कर दी थी। और इसमें हमने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हम तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए भून लेंगे लो मीडियम हीट पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा आप फिर जो लाल मिर्चें हैं आप वो 1.5 से 2 टेबलस्पून कर दें। अच्छा, तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर 6 अदद मीडियम साइज़। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प, 1 कप हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे और 6 से 7 अदद हम इसमें आलू बुखारे ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और पकाने के लिए रख देंगे लो मीडियम हीट पे। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब मसाला अच्छी तरह से बन जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे पेंटा हुआ दही तकरीबन 1 कप। और गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लगा था, तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून और ऐड कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पकाने के लिए रख देंगे। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, 7 से 8 अदद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे। अब हमने चावलों को उबालने के लिए पानी लिया है 1 देचके में, तो मैंने इसमें 2 से 3 लीटर पानी लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी लौंग, काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची और ज़ीरा 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। और हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 1 टेबलस्पून। सिरके ऐड करने से जो चावल है वो केले के लिए बनते हैं। और इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने अच्छी तरह से वॉश कर दिए थे। अब हम उसमें ऐड कर देंगे, तो चावल मैंने 1 किलो लिया है और इसे हम लो मीडियम हीट पे अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देंगे।
हमारे चावल पक चुके हैं, अब हम इससे पानी ड्रेन कर देंगे। अब हमने लिया है वही देसी का, उसमें हमने थोड़े से चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पकाया था, और फिर हम इसकी लेयर्स देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा चावल डालेंगे और दोबारा चिकन डालेंगे और फिर उसके बाद दोबारा चावल डालेंगे। इस तरह से हमें लेयर्स देने हैं चावल के। अब हमने सारे लेयर्स अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे नींबू के स्लाइसेस और मिल्क में मिक्स किया हुआ येलो कलर और ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया और पानी में मिक्स किया हुआ येलो कलर, इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे। मिनट के बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, तो मैं इमीडिएटली इसे मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि पे चावल टूट जाते हैं। तो 5 मिनट हम इस तरह से रख के उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। जब चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे सर्व कर देंगे। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।